हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। और दोस्तों, अभी भी हमारे रसोई गैस सिलेंडर को लेकर के एक बार फिर से हमारे केंद्र सरकार ने बहुत ही भयंकर बदलाव कर दिया है। दोस्तों बता दें कि अगर आपको गैस की सब्सिडी का पैसा आपके बैंक खाते में नहीं आता है तो आज इसको लेकर के हमारे भारत की सरकार ने पूरा बड़ा बयान जारी कर दिया है। तो अगर आपके बैंक खाते में गैस की सब्सिडी का पैसा नहीं आता है, इसको लेकर के जो खबर निकल कर आ रही है, इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी तो बताऊंगा ही। इसके अलावा दोस्तों बता दें कि हमारे भारत की सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर के यानी कि प्राइस के बारे में जो कुछ अपडेट बताए हैं, इसके बारे में भी आज मैं आपको संपूर्ण की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। तो अगर आपके घर में भी एचपी, इंडेन या भारत यानी कि तीनों कंपनी में से चाहे कोई सा भी रसोई गैस सिलेंडर है तो इस वीडियो में बन रहिएगा हमारे साथ एकदम अंत तक और पूरा लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम आगे जो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से न्यूज की जानकारी अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सिंपल तरीके से और आसानी से मिल जाया करेगी। दोस्तों बता दें कि हमारे भारत की सरकार ने सभी एलपीजी ग्राहकों के लिए, जी हाँ दोस्तों, जिनके जिनके घर में 14.2 किलोग्राम का एलपीजी का सिलेंडर है, उनके लिए हमारे भारत की सरकार ने यह जानकारी दे दिया है कि अगर आपके बैंक खाते में, जी हाँ दोस्तों, जिस खाते में आपको गैस की सब्सिडी का पैसा मिलता है, अगर उस खाते में 3,000 रुपए से कम बैलेंस रहेगा, यानी कि मान लीजिए कि अगर आपका 3,000 रुपए से कम बैलेंस है, जैसे कि 2,000 या 1,000 रुपए आपके खाते में आए, तो आपको गैस की सब्सिडी का पैसा नहीं दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे भारत की सरकार ने आज नया नियम और न्यू रूल्स जारी कर दिया है। अगर दोस्तों आपको अपने बैंक खाते में गैस की सब्सिडी का पैसा पूरा पाना है तो आपको अपने खाते में पैसा मेंटेन्स करना होगा। अगर आपके बैंक खाते में 3,000 रुपए से ज्यादा बैलेंस रहेगा तो आपके बैंक खाते में गैस की सब्सिडी का पूरा पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन अगर आपके खाते में 3,000 रुपए से कम बैलेंस रहेगा तो आपके बैंक खाते में हमारे केंद्र सरकार की तरफ से गैस की सब्सिडी का पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो ये हमारे भारत की सरकार ने हमारे देश में बहुत ही भयंकर और नया नियम लागू कर दिया है, और ये जो आपका नियम लागू होने वाला है वो आपके 1 मार्च 2022 से लागू हो जाएगा। तो वैसे दोस्तों आप में नीचे कमेंट करके इतना जरूर बता दीजिएगा कि आपका जिस बैंक में खाता है, यानी कि जिस बैंक में आपको गैस की सब्सिडी का पैसा मिलता है, उस खाते में आपका कितना बैलेंस रहता है, यानी कि 3,000 रुपए से अगर कम बैलेंस रहता है तो इतनी बात में नीचे कमेंट करके आप यस या नो रिप्लाई जरूर दे दीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कि हमारे भारत की सरकार यानी कि दोस्तों प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे देश में रसोई गैस सिलेंडर के दाम 1 मार्च 2022 से बदलाव करेंगे या नहीं करेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आपके रसोई गैस सिलेंडर के दाम एग्जैक्टली 1 मार्च 2022 को ही पता चलेगा कि कितना कम हुआ है, लेकिन मैं आपको मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह जानकारी जरूर दे सकता हूं कि 1 मार्च 2022 जैसे ही आएगा वैसे ही हमारे भारत की सरकार की तरफ से रसोई गैस सिलेंडर के दाम में जरूर परिवर्तन हो जाएगा। तो आयोग दोस्तों आपको यह रसोई गैस सिलेंडर का वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपके मन में इस खबर से रिगार्डिंग कोई भी डाउट या कोई भी सवाल या जवाब है तो आप में इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। तो चलिए इसी खबर के साथ आज का यह रसोई गैस सिलेंडर का वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलता है एक और नई जानकारी के साथ एक और नई अपडेट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।